जय श्री कृष्ण। आदरणीय व्यासपीठ, व्यासपीठ के सामने अपने जो प्रमुख अतिथि आए हुए हैं, प्रोफेसर जी शर्मा जो हमारे भाई साहब के और करवा चुके प्रोफेसर है, मतलब उन्होंने उनको पढ़ाया, और शर्मा जी का नाम मतलब पद्म विभूषण विभूषण दोनों जो है इधर हाईएस्ट जो इंडिया में जो हाईएस्ट जो मिलते हैं उसमें से है। इवन दो महीने पहले हमारे फैक्ट्री में भी आके गए। इज़ वेरी सिंपल एंड जैसे राजस्थान के है वो भी हमें उसे भी उस टाइम मालूम पड़ा कि इट वॉज सो अमेजिंग। और उनका एनुअल डे में हमारे वो आए थे और उन्होंने वहाँ हमारे लोगों के लिए लेक्चर्स भी दिया। उनका जिस तरीके से इट इज़ अमेजिंग। और यहाँ जब आने का उनका प्रोग्राम डिसाइड हुआ और हमें मालूम पड़ा दोनों भाइयों का हमारे से पूरे ग्रुप को, तो वी आर ऑल्सो वेरी डिलाइटेड। एंड इनिशियली बिकॉज एक्चुअली सुबह ही हमारा आज वास्तु शांति एक नए प्रोजेक्ट चालू किया, उसकी पूजा थी, इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड। हमने सोचा नहीं शर्मा जी को टाइम है प्रोफेसर को, तो उसी दिन वी विल गो है। सो दिस इज वेरी अमेजिंग फॉर अस। एक्चुअली ये विठ्राम नारायण दास जो विठ्राम जी है और नारायण दास जी ये दोनों भाई है, एक्चुअली मेरे नाना जी हैं, दोनों मेरे नाना जी हैं। और इनका मुझे याद है कि 1965 में जब ये हॉस्टल का कोई फंक्शन था, इनोग्रेशन था, मैं भी वहाँ शामिल था, ये मुझे याद है। मेरी मदर वगैरह सब आई थिंक 8-10 मेरी मासियाँ है, 11-12 लोग भी उस फंक्शन में थे। मतलब हमारे नाना जी का एजुकेशन का जो मुझे याद आता है कि हम लोग जब छुट्टियों में भिवंडी जाते थे तो हमारे गोपाल मामा जी भी आए हुए हैं, इवन नीलेश, बाकी जो लाहौटी परिवार आए हुए थे हमारे, हर दोपहर को खाना खाने के बाद उनके पास 4 से 6 बजे तक उनका मैथमेटिक्स का ट्यूशन लेते थे, मतलब हमको सवाल पूछते थे। तो एक्चुअली हमको भी शुरू में, मैं तो संगम में रहता था, हम आते थे दोनों भाई, हम लोग सब लोग जाते थे, तो उनका मतलब इट वॉज ए उनका पहले से ये था कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में उनका बहुत जोर था। मैथमेटिक्स के लिए ही वॉज वेरी अलग अलग सवाल पूछते थे, इतना क्या ये क्या मल्टीप्लिकेशन। तो उसी तरीके से उनका जो एजुकेशन रिलेटेड फील्ड था वो पहले से उनकी सोच थी, इट वॉज ए दूरदृष्टि आप बोल सकते हैं, उसका भी हमारे ऊपर, हमारे दोनों भाइयों पे, हमारे पूरे फैमिली पे बहुत इफेक्ट हुआ, हमारे पूरे परिवार लाहौटी परिवार में भी इफेक्ट हुआ। उसके बाद हमारे पिताजी भी, हम लोग संगम में रहते थे, उनका भी रोज़ शाम को मतलब फैक्ट्री से जब भी वो आते थे तब उनको सबको बिठा के, जैसे अपन पहले ज़माने में कहते थे शिल्लक मिलाना, टैली करते थे रोज बेल, उसी टाइम हम चारों पाँचों बहनों को, तीन बहनों को और दोनों भाइयों को सवाल पूछते थे। मतलब उनका भी मतलब यही था कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप पढ़ो, पढ़ने के लिए जितना भी कुछ चाहिए हम आपको देंगे, आप पढ़ाई करो, इससे अपने को मालूम पड़ता है। इसलिए ये हमें एक बैकग्राउंड था पीछे कि एजुकेशन के लिए वी शुड गो अहेड, वी शुड हेल्प। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक्चुअली संगम ने लाहौटी जो है विठ्राम जी, ये एक्चुअली बेसिकली संगम ने रखी है, तो एक्चुअली 95% एक्वायर बाय, ये पूरा हॉस्टल एक्वायर बाय लाहौटीज, लाहौटी और करवा, मतलब संगम ने एक्वायर किया हुआ है 95%। ये मैं कहना चाहूँगा आप सबको, मतलब संगम ने भी नहीं, हमारे दूरदृष्टि रखने वाले एजुकेशन रिलेटेड लोग हैं, ये मैं सब पूनावासियों को कहना चाहूँगा। तो इस यही मैं कहना चाहता हूँ। इसके बाद क्लीन साइंस रिलेटेड तो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हुई है, हम लोग शुरू में काम चालू किया, सब डेवलप हो गया, तो यही हमारा एक उद्देश्य था कि कोई एक अच्छी एक्टिविटी जैसे एजुकेशन रिलेटेड, मैंने जब इन लोगों से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, जैसे हमारे लक्ष्मीकांत जी, हमारे कंवर साहब विवेक जी, इनका बड़ा प्रेशर था कि एजुकेशन में आप काम करो, तो हमने यहाँ देखा, वैसे हमारे नाना जी के नाम से था तो हम भी इनके साथ जुड़ गए, अतुल जी लाहौटी, शेखर मुंदड़ा, इन सभी के मदद से हमने किया कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। हमने तो ऑलरेडी थिंकिंग, पर बीच में कोविड आ गया, थोड़ा डिले हो गया फंक्शन के लिए, पर बहुत बढ़िया काम किया है इनके जो, इवन इनके जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी संगमनेर के भांजे है, मुंदड़ा ही है वो, और संगमनेर के दामाद भी है। तो ये भी मैं कहना चाहूँगा, उनका बहुत अच्छा काम है, इवन मैंने मेरे फैक्ट्री में भी उनका काम किया, ही इज़ वेरी एक्सलेंट, ही इज़ वेरी डायनेमिक इंजीनियर। आई थिंक मेरे लगता है कि उनके तीनों चारों उन्हीं को दिए हुए हैं। बस यही मैं बात कहना चाहूँगा। बाकी सब लोग आए, मेरे सब रिश्तेदार, मेरे बहन, मेरे सब मेरी भाभी, मेरी वाइफ, हमारे सब, मेरा पार्थ,
मेरा नेफ्यू, हमारे कवर साहब, भाई साहब के दोस्त, मेरे सब दोस्त, पूना के सब रिश्तेदार इसने कार्यक्रम में आए, इसलिए मैं सबका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।